हाय गाइस, इज बनी शिखा। वेलकम बैक टू अनदर फैशन वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग ट्राई ऑन करेंगे जिम आउटफिट्स फ्रॉम अर्बैनिक। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू डू अ जिम आउटफिट वाला हॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली अर्बैनिक से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अर्बैनिक से ही जिम आउटफिट्स में खरीद रही हूँ एंड मैं वर्कआउट कर रही हूँ वहीं से पहन के। एंड आई रियली वॉन्ट टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड फाइनली इट्स हियर दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू। मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज स्पोर्ट्स ब्रा एंड स्पोर्ट्स टी शर्ट, सेकेंड कैटेगरी इज जिम शॉर्ट्स एंड थर्ड कैटेगरी is gym tights. I'm going to review about the quality, about the price and about the size. Abhi time waste na karke let's just get started. Start with the first category, that is sports bra and sports t-shirt. The first one is a green t-shirt. So if you can see the picture, mujhe to ye dekh ke bahut zyada acha laga tha and iska price mujhe pada tha 590 and I'm wearing the size S. Mujhe ye dekh ke to bahut zyada acha laga tha ye design and everything dekh ke. Pehenne ke baad it is kind of looking like a crop top. नॉट लाइक ए पूरा एकदम ओवरसाइज टी शर्ट की तरह, थोड़ा सा क्रॉप टॉप है, बट दिस लेयर सामने जो लेयर है एक के ऊपर दूसरा का जो लेयर है, जो डिज़ाइन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लगा। साइज में तो मुझे ये बहुत ही अच्छे से फिट आ गया है एंड इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर एंड वर्कआउट इन जिम बिकॉज ये स्ट्रेचेबल भी है एंड स्वेट भी अब्जॉर्व कर लेता है। मैंने इसको पहन के एक्सरसाइज किया है तो मुझे पता है कि ये स्वेट भी अब्जॉर्व कर लेता है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्कआउट। इफ यू डोंट वॉन्ट टू वेयर सम स्पोर्ट्स ब्रा और समथिंग लाइक दैट, जस्ट वॉन्ट टू वेयर टी शर्ट सम, सो यू कैन गो एंड ऑफ फॉर दिस काइंड। नेक्स्ट अप इज दिस स्पोर्ट्स ब्रा। इट्स अ रेड कलर स्पोर्ट्स ब्रा एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा था 590 एंड दिस इज वन साइज, इसका एक ही साइज था, वन साइज। एनी वे यू कैन वेयर दैट। पहनने के बाद ये एक्चुअली चेस्ट पैड है, इसमें चेस्ट पैडेट्स हैं तो आपको अलग से ब्रा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आई डिडंट लाइक द क्वालिटी ऑफ द पैड, इट्स नॉट लाइक स्मूथ। मुझे इसका पैड का क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। पीछे का जो ये डिज़ाइन है, द बैकलेस एंड एवरीथिंग, आई लाइक इट। इसके वजह से मैंने ये खरीदा था पिक्चर को देख कर, क्योंकि मुझे पीछे का बैकलेस का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सही और अच्छा लगा था। क्यों लगा था, द साइज़ में तो ये परफेक्टली फिट आ गया है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइट या फिर बहुत लूज ऐसा कुछ हो रहा है। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी में भी मुझे उतना खास नहीं लगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला है एंड थोड़ा सा अगर यू नो हैवी क्वालिटी होता, थोड़ा सा अगर मोटा होता तो फिर अच्छा होता। इसको पहन के अभी तक मैंने वर्कआउट नहीं किया, सो आई डोंट नो कि ये जिम वर्कआउट करने के बाद कितना स्वेट एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, सो आई हैव टू ट्राई दैट ऑन। ओवरऑल मुझे ये पसंद तो आया है, लेकिन चेस्ट पैड को छोड़ के, बिकॉज द पैड का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ही पतला है, वो एकदम सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। एक बार एक दो बार धो के शायद ही खराब हो जाए, ऐसा लग रहा है मेरे को। सो देर हैव दिस ऑल्सो होल वेयर यू कैन टेक आउट द चेस्ट पैड्स एंड यू नो वॉश सेपरेटली एंड ड्राई। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अलग से एक अच्छा क्वालिटी का चेस्ट पैड खरीद के इसमें लगा के पहनूँ, इफ आई वॉन्ट वेयर दिस। मूविंग ऑन टू द थर्ड वाला स्पोर्ट्स ब्रा, दैट इज दिस ब्लैक कलर का स्पोर्ट्स ब्रा। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 553 एंड आई एम वेयरिंग द साइज L। ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे स्पोर्ट्स ब्रा होता है पीछे एकदम वेस्ट शेप का, ये वैसा ही है एंड ब्लैक कैन गो विथ एवरीथिंग, इट्स सो वर्सेटाइल कलर। सो ये वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो चेस्ट पैड है, इसमें भी चेस्ट पैड्स है एंड यू डोंट हैव टू वेयर एनी काइंड ऑफ ब्रा। सो द चेस्ट पैड्स आर वेरी गुड क्वालिटी, बहुत ही हैवी मटेरियल भी है एंड इट्स स्मूथ। जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, नॉट लाइक वेरी थिन और समथिंग, बहुत ही स्मूथ है। इसको भी पहन के मैंने वर्कआउट किया है जिम में एंड इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल, स्वेट अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मुझे हो रहा था, दैट इज़ इसका जो गला था वो बहुत ज़्यादा ही डीप था मेरे लिए। मे भी आपके लिए शायद ना भी हो सके, वॉट एवर, बट मैं कुछ अंदर पहन के उसके बाद मैं वर्कआउट कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही डीप नेक है एंड आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, सो दैट इज़ द वन थिंग। और एल्स मुझे ये तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी, जहाँ पे वी विल टॉक अबाउट जिम शॉर्ट। दिस वन इज अ ग्रीन शॉर्ट जो पिक्चर में आप देख रहे हैं। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 590 एंड आई एम वेयरिंग द साइज L। तो ये मुझे तो पिक्चर देख के बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसका बहुत सारा कलर्स था, यू नो पर्पल में था, बीच कलर का था, बहुत सारा कलर्स था, बट मुझे ये ग्रीन वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था. एंड टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, बहुत ही सही क्वालिटी है. दे हैव दिस वेरी गुड इलास्टिसिटी स्पेशली ऑन द हिप साइड टू यू नो शेप योर हिप. एंड वेन एवर यू कैन डू द ग्लूट्स और लेग एक्सरसाइज इट परफेक्टली शेप. ये वाला डिज़ाइन तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा एंड इट्स अ परफेक्ट जिम शॉर्ट्स. साइज में भी मैंने जो भी साइज ऑर्डर किया था मुझे ये परफेक्टली फिट आया है. साइज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई रियली लाइक कि कितना सा ये अच्छे से हाई वेस्ट हो रहा है. इतना ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं है सो इट्स वेरी कम्फर्टेबल. मुझे तो ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा. मैंने इसको पहन के जिम वर्कआउट भी किया है एंड इट्स वेरी मच कम्फर्टेबल. सेकेंड शॉर्ट दैट इज दिस ऑरेंज कलर का शॉर्ट. इसका प्राइस मुझे पड़ा था 290 एंड इसका कोई साइज नहीं था. इट्स वन साइज, एक ही साइज था. ऑल कैन वेयर दैट वन काइंड साइज. ये जब आया ये मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा पतला है. इट इज वेरी वेरी थिन, बहुत ज़्यादा पतला है एंड इट इज़ ऑल्सो हाई वेस्टेड. ये शॉर्ट्स पिछले वाले ग्रीन शॉर्ट्स से थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट है. बहुत ही सीमलेस है, कोई भी इनरवेयर लाइनिंग्स नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ही सीमलेस है. लेकिन मुझे ये जब मैं वर्कआउट कर रही थी ये थोड़ा सा, अगर ये थोड़ा सा टाइट होता ऑन द थाइज, लाइक इट्स स्टिक एंड देन इट्स नॉट मूविंग, तो शायद अच्छा होता. क्योंकि वेन एवर आई वॉज यूज टू वर्कआउट एंड एवरीथिंग ये बहुत यू नो फोल्ड हो जा रहा था. एंड whenever I'm doing something leg workout or sitting or something, so it's getting full. I have to pull it out and नीचे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके एडजस्ट करना पड़ रहा था, वरना फिर से ऊपर फोल्ड हो जा रहा था. शॉर्ट्स ऐसा होना चाहिए कि वो स्टिक ऑन रहे पूरा, इट शुड नॉट मूव और समथिंग हैपन्स, और ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज कम्फर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कम्फर्टेबल नहीं हो तो फिर वही डिसएडवांटेज होता है एनी जिम वेयर्स का. सिर्फ यही छोड़ के मुझे तो ये वैसे अच्छा ही लगा. आई लाइक द कलर. यहाँ पे बहुत सारा कलर का ऑप्शन था बट दिस वन आई रियली लाइक इट. सो टू द थर्ड वन इज दिस ब्लैक शॉर्ट्स. इसका प्राइस मुझे पड़ा था 760 एंड आई एम वेयरिंग द साइज M. सो ये वाला शॉर्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड वन ऑफ माय फेवरेट. आई ऑलवेज वेयर दिस इन द जिम. ये बहुत ज़्यादा हाई वेस्ट है, मतलब नॉर्मल हाई वेस्ट से भी बहुत ज़्यादा हाई वेस्ट है, तो मुझे कंफर्टेबल इतना लगता है ये पहनने में. बिकॉज इफ़ आई वेयर समथिंग लाइक अ स्पोर्ट्स ब्रा, तो इसके साथ मैं स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकती हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाई वेस्ट है एंड इसके साथ स्पोर्ट्स ब्रा बहुत ही सही से अच्छे से जाता है एंड द होल लुक काइंड ऑफ लुक्स वेरी कम्फर्टेबल. सो और इसका जो भी शॉर्ट्स का जो हाइट है इट्स जस्ट एंडिंग अबाव, थोड़ा अबाव ऑफ द नी, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है. सो अगेन इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल एंड द क्वालिटी इज़ वेरी थिक, बहुत ज़्यादा थिक क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा सीमलेस है एंड यहाँ पे भी यू नो इनर लाइंस लाइनिंग नहीं दिखता है. बहुत ज़्यादा सीमलेस एंड स्मूथ है एंड दे ऑल्सो हैव दिस बैक में ऑन द हिप स्ट्रक्चर. जिम शॉर्ट्स जैसे बनते जैसे होता है टू एनहांस द हिप्स वही है एंड इट्स परफेक्ट. मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया. आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू ट्राई शॉर्ट्स, उन लोगों को इस तरीके से शॉर्ट्स ट्राई करना चाहिए फ्रॉम अर्बैनिक बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है. यू कैन वेयर एनी थिंग एंड एनी वेयर. नेक्स्ट अप इज दिस ब्लैक सैटन वाला शॉर्ट्स. इसका प्राइस मुझे 690 पड़ा था एंड आई एम वेयरिंग द साइज L. तो पहले वाले जो भी मैं दिखा रही थी वो सारा डिफरेंट क्वालिटीज का था, स्पैंडेक्स क्वालिटीज का था एंड कॉटन था, स्ट्रेचेबल था. बट दिस वन इज सैटन क्वालिटी. ये इसका दो साइड में पॉकेट्स भी है एंड इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेचेबल बिकॉज ये सैटन क्वालिटी का है. इफ़ यू आर गोइंग समवेयर ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली ड्राई हो जाएगा. जिम में पहनना बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है बिकॉज स्वेट हो रहा है वॉट एवर, तो ये ड्राई बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाता है. सो दिस इज़ अ डिफरेंट क्वालिटी वन बट इट्स वेरी सस्टेनेबल, वेरी गुड फॉर जिम एंड मुझे तो ये फिट भी बहुत अच्छे से आ गया था. आई रियली लाइक द क्वालिटी. द फिफ्थ वन विच इज़ अ साइकिलिंग शॉर्ट्स. नाउ दिस इज कॉल्ड अ साइकिलिंग शॉर्ट. इसका प्राइस मुझे पड़ा था 553 एंड आई एम वेयरिंग द साइज L. ये वाला शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था. ये अगर आप देखोगे तो पीपल हु आर इन टू स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन टेनिस दे वेयर दिस काइंड ऑफ शॉर्ट्स एंड वेयर दैट इन जिम ऑल्सो. बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, दे हैव स्मॉल पॉकेट्स. बहुत कुछ तो नहीं अटेगा इस पॉकेट में, बहुत ही छोटा वाला पॉकेट है बट इट्स काइंड ऑफ क्यूट. मुझे तो ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है एंड जिम में भी यू नो कुछ आप कार्डियो कर रहे हो कोई, तो इस तरीके से शॉर्ट्स आप पहन सकते हो. इट्स वेरी कम्फर्टेबल एंड स्वेट अब्जॉर्ब बहुत जल्दी से हो जाता है. अगेन सैटिन वाला क्वालिटी वहाँ पे है जहाँ पे यू नो सुपर ईजिली ड्राई हो जाता है. दिस कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन योर जिम आउटफिट्स एंड इट कैन ऑल्सो एनहांस योर लुक. लेट्स मूव ऑन टू द
last category of this video, which is gym tights. So the first one is this black tights. Its price मुझे पड़ा था 790 and I am wearing the size L. तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा stretch. ये वाला तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. अगेन दिस इज स्पैंडेक्स कॉटन वाला क्वालिटी, सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. सो दिस इज हाई वेस्ट. हाई वेस्ट में अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा टाइट होता, यू नो, तो इट्स कुड हैव लुक्ड अ मच मोर बेटर, बिकॉज यू हिप से ज़्यादा तो वेस्ट बहुत ज़्यादा छोटा होता है. हाई वेस्ट तो और भी ज़्यादा छोटा होता है, तो इट शुड फिट, एकदम टाइट फिट होना चाहिए. तो वो अगर होता तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता, बट वो उतना ज़्यादा नहीं है. हाई वेस्ट टाइट्स जैसा होना चाहिए वैसा, पर ओवरऑल इट्स वेरी कम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है वेयरिंग दिस एंड वर्किंग आउट. हाई फाई तो नहीं है, लेकिन जिम के लिए यू नो चल जाएगा. Move on to the last one, which is this purple wala tights. Iska price mujhe pada tha 177 and I am wearing the size L. Bahut hi zyada alag wala ek tights hai. If you can see, the design is very different. Bahut hi alag ek design hai. I think the material is, I don't know, silk, satin, something like that. उस साइड का ही कुछ है, कॉटन तो बिल्कुल ही नहीं है. बट द डिज़ाइन, द होल डिज़ाइन ऑफ द, इट फील्स वेरी वियर्ड इफ यू टच इट एंड यू सी इट, बट इट्स वेरी स्ट्रेचेबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. ये तो हाई वेस्ट थोड़ा ही है, उतना ज़्यादा हाई वेस्ट नहीं है, बट अगेन ये फिट भी आ गया है उतना अच्छे से. मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था. पहले पहले लग रहा था जब ये आया था, मैंने पहना था एंड आई वर्कड आउट कि कैसा है, यू नो द मटेरियल ऐसे क्रोकोडाइल वाला स्किन की तरह, बट आई एम टेलिंग यू ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है एंड कम्फर्टेबल दैन एनी अदर kind of tights I have worn. So yeah, you can also try these kind of tights also for your gym work. So that's it guys, that's my end of my video. I hope you guys have liked this video and enjoyed this video and maybe got some help and reference ki gym mein jana chahiye to kya outfits pehna chahiye, and if you're wondering ki kahan se milega gym outfits and everything, you can obviously check out Urbanic. wahan pe bahut sara options hota hai, ye sab bhi dekh sakte ho jo maine share kiya hai. aisa nahi ki top notch hai, but utna kharab bhi nahi. you can wear and it's fashionable, it's comfortable and it's stylish. so और क्या चाहिए आप लोगों को. यहाँ पे मैंने आउटफिट्स दिखा है सारे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. मेक श्योर यू गो एंड चेक दैट आउट. एंड कुछ अगर आउट ऑफ स्टॉक्स हो गया है आउटफिट्स, तो उसका भी थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव आउटफिट्स मैंने लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में. यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट फैशन वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फैशनेबल.